सो हे गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने फेस को कुछ इस तरीके से स्मूथ और गोरा कर सकते हैं एंड हेयर को कैसे सही कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे फेस को देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा और मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से इस वाले वीडियो के अंदर बताया हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फोटो को यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्नैपशीट में ओपन कर लेना है। और exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, करने बाद क्या करना, फिर से ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर इस फोटो को हम लोग यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाना है और ऑटोडेस्क यानी कि स्केच बुक अप्लीकेशन में इसको ओपन कर लेना होगा। और ओपन करने बाद क्या करना, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है
और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ब्रश देखने को मिल जाएगा, तो इस वाले ब्रश को ले लेना है और इसका सेटिंग को सबसे पहले देख लेना होगा सही तरीके से। तो सबसे पहले आप लोग फ्लो को सही करिएगा, तो फ्लो को सही करने के लिए हम लोग इसको वन पे रख लेंगे और उसके बाद इसका स्ट्रेंथ को सही करेंगे, तो हम लोग इसको यहाँ पे टू पे रख लेना होगा। और इसके बाद यहाँ पे इसका साइज आप लोग अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love. पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पे सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इस फोटो को हम लोग शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ पे आ जाना है और इधर आप लोग को यहाँ पे फेस ऐप एप्लीकेशन में इसको ओपन कर लेना होगा। तो फेस ऐप में ओपन कर लेने बाद आप लोग का मोबाइल का डाटा ऑन रहना चाहिए। तो इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे स्माइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इस पर क्लिक